ये रैपिड एक्स का जो आयोजन करा है, इस सबसे हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनका बहुत फ़ायदा हुआ है। एजुकेशन के लिए भी, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉलेजेस में मेरठ में दुहाई में इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है जितनी यहाँ पर है। उनकी एजुकेशन और बेहतर हो सकती है, और हम जो उन्होंने हमसे वचन कराया हम उसे ज़रूर निभाएंगे। हम अपनी रैपिड एक्स को वैसे ही साफ़ सुथरा रखेंगे जैसे हम अपने सामान को रखते हैं। हम सब मिलकर उनका ये वचन जो उन्होंने हमें दिया है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। रैपिड ट्रेन से हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जैसे कि ये नॉन पॉल्यूटेंट है, इससे नॉइस पॉल्यूशन भी नहीं होता है, और हम गाज़ियाबाद से मेरठ तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे, और हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी रैपिड ट्रेन निकाली है, और इससे सड़कों पे जाम बहुत कम होगा और लोग अपनी मंजिलों पर जल्दी पहुंच जाएंगे। धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हम लोगों को इस पीढ़ी में मिली है, हम भाग्यशाली हैं, और जो उन्होंने हमसे ये वचन लिया है कि भाई जो सौगात मैं आपको दे रहा हूँ उसे संभालने का आप लोग काम करेंगे, तो हम बिल्कुल करेंगे। और बस मैं यही कहूँगी, मोदी है तो मुमकिन है। जो वर्किंग महिलाएं हैं या जो डेली आती जाती हैं उनके लिए मतलब आने जाने का इतना आसान रास्ता कर दिया है कि वो आसानी से आ जा सकती है, समय का भी सदुपयोग होता है। तो इतनी बड़ी सौगात मोदी जी ने हमें महिलाओं को दे रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा कदम है जो मोदी जी उठा सकते थे। हमें तहे दिल से धन्यवाद देंगे। उत्तर प्रदेश में योगी है और पूरे देश में मोदी है, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, और यहां से लेकर दुहाई तक यात्रा भी सफल होगी।